हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब कैरियर से होंगे। तो व्लॉग को करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से और शाजन की तरफ से जुम्मा मुबारक। और दिन का वक्त है, अभी हम खाना वगैरह हम खा चुके हैं, तो अभी हमारी थोड़ी सी प्लानिंग चल रही है कि हम बाहर कहीं जाते हैं घूमने के लिए। तो अभी हम जाएंगे इस्लामाबाद, फैसल मुझे जाएंगे और देन हम देखते हैं और कहाँ कहाँ जाना है। आप हमारे साथ रहिए और इंजॉय कीजिए शाजिल को और शाजिल की मस्तियों को भी। और अभी शाजिल खेल रहे हैं अपने दादों के साथ क्योंकि सुबह से इनकी तबीयत ख़राब थी तो ये सो रहे थे। अभी ये जाग गए हैं तो ये तैयार हुए हैं, थोड़े फ्रेश फ्रेश हो गए और अपने दादों के साथ ये खेल रहे हैं, साथ ही टीवी भी देख रहे हैं। बच्चे आजकल के जी कंप्यूटर पैदा हुए हैं, इनको पता है कि टीवी पे क्या लगा हुआ है। और कार्टून्स तो शाजिल को पसंद है लेकिन इतने नहीं है, लेकिन मैच वगैरह ज़्यादा शौक से देखते हैं क्योंकि इनके दादा वो को पसंद है। Two hours later. So जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं फैसल मस्जिद और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से दूर से तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। और ये रश, आप सोच रहे होंगे इतना रश क्यों है। वैसे तो यहाँ पे रश हमेशा ही रहता है हर वक्त ही, लेकिन आज जुम्मा है तो बहुत से लोग आए हैं, जुम्मे की नमाज उन्होंने ही अदा की होगी। तो चलें अंदर चलते हैं और जाके देखते हैं। शाजिल के पापा जूते जमा करवा रहे हैं। और जी हम आ गए हैं फैसल मस्जिद के अंदर, ये इसके एंट्रेंस है। और शाजिल को देखिए मज़े से सो रहे हैं, इनको पता ही नहीं हम कहाँ पे आए क्योंकि रास्ते में बाइक पे ये इनको ज़रा से झटके वगैरह लगे और हवा तेज़, मौसम थोड़ा ठंडा लगा इनको तो ये बाइक पे ही सो गया। चलते हैं अब हम ऊपर सेकंड फ्लोर पे, तो हम आ गए हैं, आगे थर्ड फ्लोर पे चलते हैं जहाँ पे मस्जिद है। आप रहिए हमारे साथ और इंजॉय कीजिए लोगों को नहीं हमारी वीडियोस को। बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह से, निशा फैसल इसको कहते हैं। और रमज़ान में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि बहुत से लोग एतकाफ़ यहाँ पर बैठते हैं और ज़्यादातर लोग इफ्तारी के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है, वो इस्लामाबाद में है और इसके बैक पे सारा जंगल है। ये हम जा रहे हैं ऊपर और शाजिल को उठाया उनके पापा ने क्योंकि मुझे बनानी थी वीडियो। आप रहिए हमारे साथ और आप देखें अपने घर में बैठ के, देखें ये कितना अच्छा फ़ायदा हो गया ना, मतलब लोग घर में बैठ के हर जगह देख सकते हैं आसानी से, ऐसे फील होता है कि हम खुद वहीं पे हैं। तो जो देखें जी हम आ गए हैं ऊपर माशाल्लाह से, मस्जिद आपको पूरी नज़र आ रही है। अभी हम आगे भी जाएंगे और आपको पूरी मस्जिद दिखाएंगे। और रश आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा और फर्श तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है क्योंकि डायरेक्ट धूप यहाँ पर पड़ती है, बादल आसमान पे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और अच्छी लगती हैं या नहीं अच्छी लगती। और जी ये है मस्जिद का मीनार, मिंबर जिसे कहते हैं।
सारे बंदे हैं, देखो ये बैग पे आप देख सकते हैं ये सारी मरगला हिल्स है। और मस्जिद में असर की आवाज हो रही है। शाम हो चुकी है और माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है और अभी हम देखते हैं कि अभी हमने 10 minutes later तो जी हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद सेंटोरियस। तो चले आज से हम आपको भी अंदर से इसका नज़ारा करवाते हैं, आप भी इंजॉय कीजिए हम भी इंजॉय करेंगे। मजा आया।
सो जी, रात का वक्त है और शाजिल सो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं आई तो प्लीज़ पसंद करने की कोशिश करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स फॉलोअर्स की तरफ शेयर भी करें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही जिसे कहो ना, बहुत गुड हो गया जी।